Well, finally, कल की 289880 आ चुकी है थिएटर्स में, और अगर अब तक तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो जाओ जाकर इस मूवी को देख के आओ थिएटर्स में, जाओ जल्दी। जाने लगे क्या? रुक जाओ यार, वीडियो देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो है स्पॉइलर फ्री। टिंग टिंग टिंग। तो देखो, अगर तुम बिल्कुल ही अनजान हो इस चीज से कि ये मूवी का जो बेस है और प्लॉट है वो किस चीज के ऊपर है, तो मैं आपको बता दूं, कल की 289880 जो है वो एक डिस्टोपियन मूवी है, जो मैं ऑलरेडी अपनी दो वीडियोस में बता चुका हूँ। बट व्हाट इज न्यू इस डिस्टोपियन मूवी के अंदर, नया ये है कि इसके अंदर हमको दिखाया गया है हमारा जो फ्यूचर का वर्ल्ड है वो पूरे तरीके से खत्म होने की कगार पे आ चुका है, जहाँ पर सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं और भुखमरी के कारण लोग अब लगे हैं। और अगर इन सब चीजों के बारे में आपको और जानना है तो आप मेरी पिछली ये दो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू की। तो देखो, मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वो वहीं से ही होती है जहां पर महाभारत की एंडिंग हुई थी, और जो अश्वत्थामा थे उनको श्राप मिला था आजीवन अमरता का, जिसके बाद श्री कृष्ण जो थे उन्होंने ये चीज बोली थी कि अगर उनको श्राप से मुक्त होना है तो भविष्य में जब वो कल्कि का रूप लेकर पैदा होंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम अश्वत्थामा का ही होगा। जहां पर हमको अश्वत्थामा इस पूरी मूवी के अंदर जो सुमति है उसके कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर अगेन हम बात करें अश्वत्थामा की, जिनको प्ले किया है अमिताभ बच्चन ने, तो भाई साहब इस एज के अंदर उन्होंने जो एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं वो काफी ही ज्यादा तगड़े और नेक्स्ट लेवल हैं, और कोई भी उनकी एज के पर्सन से इस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, जहाँ पर उन्होंने काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं। और हम ये चीज भी साफ देख सकते हैं कि उन्होंने कोई फेस रिप्लेसमेंट नहीं की है, ये सारे के सारे सीन्स अमिताभ बच्चन ने खुद किए हैं, सिवाय कुछ ज्यादा ही हार्ड सीन्स के जहाँ पर वो उल्टी पलटी इधर उधर भाग रहे हो, क्योंकि हम ये सब भी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की अब बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो फास्ट मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। पर भाई साहब, मानना पड़ेगा नाग अश्विन की क्रिएशन को। जहाँ पर हम बात करें प्रभास के कैरेक्टर भैरवा की, तो उससे रिलेटेड जो एक हिडन सीक्रेट था कि क्या भैरवा कल्कि है, वो चीज इस मूवी के अंदर अब हमको क्लियर कर दी गई है कि जो अपना प्रभास है। मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाके मूवी में ही देखो, ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, मैं नहीं चाहता कमेंट में गालियां आए। और अगर तुम अभी भी सुनना चाहते हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सूरज सा तेज उसकी आंखों में, कवच कुंडल धारी, उससे बड़ा दानी कोई ना, जो पड़े सब पर भारी। तो होप सो तुमको तुम्हारा हिंट मिल गया होगा इससे, और अगर नहीं मिला है और तुम कोई ओंदू पोंदू हो तो भग जाओ ऐसे मूवी देख के आओ। नहीं, रुक जाओ, पूरी वीडियो देख लो फिर चले आना। एंड अगेन अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की, तो भाई साहब, एज वी ऑल नो, उन्होंने इस मूवी के अंदर सुमति का रोल प्ले किया है जो जन्म देंगी कल्कि को। और अगर हम बात करें उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की, तो एज अ माँ का कैरेक्टर, जो एक माँ का स्वभाव होता है वो काफी ही ज्यादा लाइट होता है, और उन्होंने वो चीज बखूबी दिखाई है इस मूवी के अंदर। उन्होंने ज्यादा चीजों को हार्श तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है, जहाँ पर उन्होंने ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं की है, और डेड फेस भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार एक माँ से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो क्या ही करेगी, वो ऑलरेडी भाई साहब काफी चीजों से जूझ रही होती है। जहाँ पर अगर हम बात करें साइड कैरेक्टर्स की, तो हमारे ब्रह्मानंद और दिशा पाटनी ने भी काफी अच्छे रोल प्ले किए हैं अपनी अपनी जगह। जहाँ पर दिशा पाटनी को यहाँ पर एक लव एलिमेंट के लिए रखा गया था, जहाँ पर उसकी अभी कैरेक्टर आर्क पूरे तरीके से नहीं दिखाई गई है। और बात ब्रह्मानंद की, तो हम सभी जानते हैं वो किस चीज के लिए फेमस हैं, और उन्होंने वही चीज इस मूवी में करके दिखाई है। अब बात करते हैं कि क्या इस मूवी के VFX उस लेवल के हैं जिस तरीके से उनको बताया गया था मूवी के प्रमोशन टीजर और ट्रेलर में, तो मैं अगर बोलूंगा तो एक ही शब्द बोलूंगा, वाओ। इस मूवी को देखते हुए ऐसा लगा ही नहीं मुझे एक बारी को कि भाई साहब मैं कोई बॉलीवुड की मूवी, एक्चुअली बॉलीवुड नहीं टॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ। इस मूवी के जो VFX लेवल हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको डिटेल्स काफी ही अच्छे से दिखाई देंगी एज कम्पेयर टू अदर मूवीज, जहाँ पर कहीं कहीं फ्लक्चुएशन आ जाते हैं एनिमेशन में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई साहब जो 3D मॉडलिंग और स्कल्पचरिंग होती है वो इजी नहीं होती है एज अ CGI VFX आर्टिस्ट। हाँ, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं भी CGI एंड VFX आर्टिस्ट हूँ, मैं ये चीज भाई साहब लिख के दे सकता हूँ कि इस मूवी की एनिमेशन करने से पहले उन सभी चीजों पर पर्टिकुलर तरीके
तरीके से रिसर्च करी गई है, जहाँ पर एक एक वॉल टूटने से लेकर गाड़ी के चलने तक और गन फायर होने से लेकर किसी आदमी तक सारी की सारी चीजों को एकदम परफेक्ट वे में किया गया है, जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ देखना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है, अंटिल एंड अनलेस तुम्हारी चील की निगाहें हो। जहाँ पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एकदम एक्सलेंट VFX है, जहाँ पर आपको कहीं कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगी इस मूवी के VFX में। एंड अगर हम बात करें मूवी के प्लॉट की, तो जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो तुमको धीरे धीरे स्टोरी बिल्ड करके दिखाती है ताकि तुम उस कैरेक्टर उस मूवी के प्लॉट के साथ घुल जाओ। जहाँ पर मैंने कई बंदे थिएटर में ऐसे देखे थे जो शुरू में आकर ये बोल रहे थे कि भाई साहब क्या मूवी है, बकवास सी, भाई साहब मैं तो सो रहा हूँ, और वही बंदे मूवी के एंड में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रभास को चीयर कर रहे थे, अश्वत्थामा को चीयर कर रहे थे कि गो गो गो। आई मीन लाइक भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर जो विलन है, मेन विलन तो हमको कल्कि ही दिखाए जाने वाले हैं इस यूनिवर्स के अंदर, बट इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर हमको सुप्रीम यास्किन का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जिनको प्ले किया है आपके और मेरे सबके चहेते कमल हसन ने, जिन्होंने इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा एक डीप तरीके वाली जो एक वाइब होती है वो दी है, जिससे हमको ये चीज भी पता लगती है कि भाई साहब जो सुप्रीम यास्किन की जो इवलनेस है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। अभी इस मूवी के अंदर तो हमको सुप्रीम यास्किन के कैरेक्टर को दो बार ही दिखाया गया है मुश्किल से, जहाँ पर एंडिंग में आपको एक काफी ही तगड़ी चीज देखने को मिलेगी, और भाई साहब तुम सीटी बजा दोगे, और नहीं बजाई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बजा दूंगा। तो अब मेन बात यह आती है कि क्या तुमको ये मूवी देखनी चाहिए, तो मैं ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में तुमको ये चीज बोल चुका हूँ कि भाई जाओ, जाकर मूवी देकर आओ। बट इसके अंदर एक चीज है, जो हमको डिस्टोपियन मूवी ये दिखाई गई है, इसके अंदर जो एक फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट है और जो एक हमारा महाभारत के काल का टाइम है, जो हमको वो चीजें मर्ज करके दिखाई गई है, तो वहां पर कहीं कहीं अगर ओल्ड एज लोग हैं वो महाभारत से कनेक्ट करेंगे, और वहीं जो अभी यंग लोग हैं वो जो फ्यूचरिस्टिक अपनी डिस्टोपियन दुनिया है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जहां पर एज अ 2000 बोर्न, भाई साहब मैं दोनों की चीज से काफी परफेक्टली कनेक्ट कर पाया, क्योंकि भाई मैं भी धार्मिक हूँ, मुझे भी महाभारत का ज्ञान है, पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत। जहां पर हम बात करें महाभारत काल की, तो भाई साहब उन्होंने महाभारत काल के अंदर जो चीजें दिखाई है, जो नाग अश्विन ने भाई इस मूवी को लेके रिसर्च करी है अपनी चीजों पर, मैं डंगे की चोट पे कह सकता हूँ कि भाई साहब ओम राउत ने अगर ऐसी रिसर्च करी होती तो आदि पुरुष भी करोड़ों में खेलती। खैर घटनाएं होती रहती है, उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या इस मूवी का सेकेंड पार्ट आएगा? तो 100% इस मूवी का जो सेकेंड पार्ट है वो आने वाला है, जिसके अंदर हमको आगे की स्टोरी लाइन दिखाई गई है। जहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मूवी के अंदर अभी कल्कि भगवान जो है उनका बर्थ नहीं हुआ है, जहाँ पर हमको काफी सारी चीजें एट द एंड खुद सोचने पर छोड़ दी गई है कि भाई साहब अभी खुद तुम देखो कि तुम आगे क्या चाहते हो। जहाँ पर मैं ये चीज भी जानता हूँ कि भाई साहब कल्कि यूनिवर्स का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, अगर इसी डेडिकेशन के साथ नाग अश्विन आगे वाले पार्ट्स भी लाते रहे तो। और हाँ भाई, एक और बात, इस मूवी को मैं आपको थिएटर में देखना ही प्रेफर करूंगा, बिल्कुल भी पायरेसी भाई मत करना, पायरेसी इज नॉट गुड, क्योंकि भाई जिन बंदों ने इतनी मेहनत करी है एक बार उनका सोचो, अगर तुम पायरेट करके ये मूवी देख लोगे तो उनका भी लॉस है और तुम्हारा भी लॉस ही है, जहाँ पर तुमको अगले पार्ट में उतनी ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेगी। एंड अगर हम फिर दोबारा बात करें बजट की और एनिमेशन VFX की, तो हाँ शायद एंड तक आते आते भाई साहब कल्कि वालों का बजट थोड़ा डगमगा गया, जहाँ पर हम ये चीज एंडिंग में थोड़ी बहुत देख सकते हैं कि एंडिंग के अंदर के जो VFX हैं वो थोड़े बहुत मार खाने लग जाते हैं शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, ऑल बिकॉज ऑफ बजट। भाई बजट बजट की बात है, कुछ मूवी की जो बजट होते हैं वो 600-700 करोड़ होने के बाद भी हक देती हैं, एज वी ऑल नो, बट इस मूवी में ऐसा नहीं किया है, एक एक भाई पैसा वसूल है। तो भाई जाओ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को इस मूवी को रिकमेंड करो देखने के लिए, खुद भी देखो, एंजॉय करो। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताना अपने ओपिनियन की क्या आपने मूवी देख ली है। ऑल्सो अगर आपको इसी टाइप की और अमेजिंग कॉन्टेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर भी मुझे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हास्ता ला विस्ता, बाय। वन शॉट कॉम्प्लेक्स चले जाओ।